नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। श्री हरि की उपासना का सबसे उत्तम व्रत है एकादशी। कहते हैं कि इस दिन श्री हरि के साथ साथ उनके वामन अवतार की पूजा करने से त्रिमूर्ति की कृपा बरसती है। आज हम आपको व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत के दिव्य प्रभावों के बारे में बताएंगे। भाद्रपद महीना चल रहा है और इस महीने की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु करवट बदलने वाले हैं। इस एकादशी को पद्मा या परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का शुभ फल कई गुना ज्यादा आपको मिल सकता है, क्योंकि श्री हरि के साथ भगवान गणेश की भी उपासना इसमें फलदायी मानी गई है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद महीने की एकादशी क्यों है खास और कैसे करनी है आपको पद्मा एकादशी पर विधि पूर्वक पूजा उपासना। एक परम चमत्कारी दिव्य तिथि कल्याणकारी है पद्मा एकादशी, पापों से मुक्ति दिलाएगी पद्मा एकादशी। पद्मा एकादशी पर करें श्री हरि का ध्यान, आपको मिलेगा मनचाहा वरदान। आषाढ़ माह से शीर्ष शैया पर निद्रा मगन भगवान विष्णु अब भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलेंगे। इस दिन भगवान श्री विष्णु की वामन रूप की पूजा की जाती है। श्री हरि की कृपा पाने की महाफलदायी पद्मा एकादशी परिवर्तनी एकादशी भी कहलाती है। कहते हैं कि जाने अनजाने हुए पापों के नाश के लिए पद्मा एकादशी व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं होता। जो इंसान इस एकादशी के दिन श्री हरि का ध्यान करता है, उससे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का वरदान भी मिलता है। भगवान श्री हरि बावन का जन्म पद्मा एकादशी के अंतर्गत आता है। इस एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति अनुष्ठान करता है, सिद्धि जरूर मिलती है। उसका किया हुआ पूजा पाठ, नियम परहेज, कोई भी चीज खराब नहीं होता है। पद्मा एकादशी अपने आप में एक अद्भुत शक्ति का तिथि है, एक अद्भुत शक्ति का मुहूर्त नक्षत्र है। जो भी व्यक्ति इस तिथि अंतर्गत में भगवान की आराधना करता है, व्रत पूजन पाठ दान यज्ञ अनुष्ठान ये सड़कर्म जो करता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। हर एकादशी महत्वपूर्ण है और हर एकादशी की अपनी अलग महिमा है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप भी समझिए एकादशी की महिमा। एकादशी की महिमा क्या है? व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी को माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है और ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। हम आपको पद्मा एकादशी की महिमा समझाने जा रहे हैं, क्योंकि ये व्रत अनंत फलदायी है। इस व्रत को करने पर नारायण की विशेष कृपा होती है। श्री हरि बावन स्वरूप का जन्म होता है और इन्होंने जाकर के बलि से तीन पग भूमि में समस्त ब्रह्मांड का दान ऐश्वर्य मांग लिया था और बलि का अहंकार छीन कर दिया था। बलि को पातालपुरी का राजा बना दिया था। पद्मा एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, उसका अहंकार क्षीण होता है, उसके अंदर सत्व सत्य
और सात्विक शक्ति दैवी शक्ति जागृत होती है। हर हर महादेव। तो आइए जानते हैं पद्मा एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसको पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस समय गणेश महोत्सव भी चल रहा होता है। ये व्रत गणेश जी और श्री हरि दोनों की कृपा दिलवा देता है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की उपासना की जाती है। जिन लोगों को संतान सुख या धन की प्राप्ति करनी हो उनके लिए ये व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। इस बार पद्मा एकादशी का व्रत 14 सितंबर को है। पद्मा एकादशी व्रत सब प्रकार से कल्याणकारी और शुभ फलदायक है। कहते हैं पद्मा एकादशी के व्रत से मुक्ति और मोक्ष के प्रबल युग बनने लगते हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस एकादशी के दिन जो इंसान व्रत और उपासना करता है उसे भूमि दान और गाय के दान से ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस दिव्य एकादशी पर कैसे करें श्री हरि की पूजा उपासना। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करें। श्री हरि को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। गणेश जी को मोदक और दूर्वा अर्पित करें। पहले गणेश जी और तब श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करें। अन्न का सेवन ना करें, जलाहार या फलाहार ही ग्रहण करें। तम विधि क्या है इसकी? तो प्रातःकालीन ही व्रत रखने का नियम कर लें। प्रातः से व्रत रखना है, विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है, विष्णु का अभिषेक करना है, हल्दी जरूर थाली में रखना है, कांसे की थाली से पूजन करें। पद्मा एकादशी के दिन भगवान गणेश की आराधना कर लें तो समझो आप सोने में सुहागा, अर्थात आपके जीवन में समस्त नकारात्मक ग्रह भाग जाएगा, सकारात्मक हृदयंगम जागृत हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री गणेश की आराधना पद्मा एकादशी के दिन जरूर करें। तो आप भी इस विशेष विधि से पद्मा एकादशी व्रत रखिए, पूजा उपासना कीजिए, क्योंकि ये व्रत आपकी संतान और धन संबंधी बाधाएं भी दूर कर सकता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पाए तो भी ईश्वर के भजन और कीर्तन से पापों से मुक्ति संभव है। फिर श्री हरि के आशीर्वाद से उत्तम हो जाएगी आपके जीवन की हर परिस्थिति। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की गाथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। कहते हैं कि इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पद्मा एकादशी के व्रत को अगर उत्तम विधि से पूरा कर लिया जाए तो जीवन की हर बाधा हर मुश्किल से पार पाया जा सकता है। तो देखिए भाद्रपद महीने की इस एकादशी से जुड़ी कुछ दिव्य बातें। इस दिन कैसे होगी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति, कौन से ऐसे महाप्रयोग हैं जो आप पद्मा एकादशी पर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। एक व्रत से मिलेगा संपूर्ण यज्ञ का फल। मिल जाएगा सभी मुश्किलों का हल। कहते हैं कि जाने अनजाने हुए पापों के नाश के लिए पद्मा एकादशी व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं होता। दरअसल भगवान विष्णु के शयन के चार मास चतुर्मास कहलाते हैं और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। ये व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री हरि के साथ आपको भगवान गणेश की भी विशेष कृपा मिल सकती है। गणेश जी के लिए 108 दुर्वा घास हल्दी में लपेट करके ओम गंगणपतये बोलते हुए गणेश को पद्मा एकादशी के दिन चढ़ाएंगे तो अच्छे संतान की प्राप्ति होगी, आपका व्यापार व्यवसाय दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ेगा,
आपके घर में सुख शांति समृद्धि जरूर आएगी। हर हर महादेव। पद्मा एकादशी के दिन कई लोगों का वाहन का अगर विचार कर रहे हो, भवन का विचार कर रहे हो, या तो कोई नया व्यवसाय का विचार कर रहे हो, तो आपके राशियों पर शुभ होगा। जो इंसान इस एकादशी अर्पित करें। ओम श्रीम सौम्याय सौभाग्याय गंगणपते नमः का 108 बार जाप करें। पद्मा एकादशी के दिन 1.25 kg तिल का दान करें, 5 हल्दी की गांठ का दान करें, 5 ही जनेऊ का दान करें, 5 रुपए साथ में दान करें, 5 मुट्ठी चने की दाल दान करें और 5 गुड़ के दाने 5 लड्डू के दाने दान करें। जो व्यक्ति इसे करेगा उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रयास करें जल झुलनी अर्थात पद्मा एकादशी के दिन कमल गट्टे की माला लक्ष्मी नारायण को जरूर भेंट करें। आपका रुका कार्य बहुत तेज चलेगा। आपके फंसे धन जरूर प्राप्त होंगे। आपका कर्ज जरूर निवारण होगा। जहां भक्ति होती है वहीं शक्ति होती है और श्री हरि संघ गणपति की भक्ति तो हर पाप और बाधा से मुक्ति दिला सकती है। जानकार कहते हैं कि पद्मा एकादशी के दिन दान का भी महत्व है, लेकिन दान के लिए है एक विशेष मंत्र। उस परम कल्याणकारी मंत्र के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। भाद्रपद महीने की इस एकादशी को दान करने का फल इंसान को जीवन भर मिलता रहता है, लेकिन कौन से मंत्र के उच्चारण के साथ इस एकादशी का दान करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पद्मा एकादशी पर करें दान, होगा चारों दिशाओं से कल्याण। कहते हैं पद्मा एकादशी के दिन व्रत और उपवास से कहीं ज्यादा महत्व दान का होता है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि इस दिन चावल दही या चांदी का दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो लोग किसी कारणवश पद्मा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें पद्मा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम या रामायण का पाठ करना भी इस दिन उत्तम फलदायी होता है। और अगर इस दिन दान करते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाए तो इसका शुभ फल और भी ज्यादा मिलता है। पद्मा एकादशी के दिन एक अजेय मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। हर हर महादेव। अजेय मंत्र अर्थात दसों दिशाओं में आपको विजय देगा। इस मंत्र का पाठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का सतत जप करें। इससे आपको जय जयकार होगा, कार्य बनेगा। तो देखिए
पद्मा एकादशी पर दान करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण होगा शुभ कार्य? पद्मा एकादशी पर दान का मंत्र, नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अघोग्य संज्ञम कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानं सुखदायकः। इस एकादशी पर दान करते हुए इस मंत्र का केवल एक बार उच्चारण करने से आपको व्रत का सबसे उत्तम फल मिल सकता है। और प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज है।